जय जगन्नाथ। प्राण पुरुषोत्तम महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथंकर श्री चरणारविंदरे ए दासर साष्टांग आभूम भूय भूय दंडवत प्रणाम। भक्तबंधु आपण मानू ओडिशा 365 यूट्यूब चैनल द्वारा प्रचारित श्री जगन्नाथ महिमा कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। भक्तबंधु आपण महाप्रभु करुणा को पाथेय करी अनेक महाप्रभु लीला उत्सव जानी यात्रा को आम कार्यक्रम मध्यम शुणा को पाँच निश्चित भाव में ताप को आनंद प्रदान करुव। महाप्रभु हरिशयन उत्सव को नहीं आम स्वतंत्र कार्यक्रम या देखि आप आनंद लाभ करेंगे। आपण मनरे समस्त विभ्रांति शंका दूरीभूत हे ए प्रकार आशा प्रकाश करुचु नीलाद्रीनाथ करुणा को भिक्षा कर। महाप्रभु आमर अत्यंत प्रिय, महाप्रभु डोली प्रिय जगत रे केही नहि पारंती। से आमर पिता, आमर माता, आमर भ्राता, आमर प्राण पुरुषोत्तम, तापर भी से महाप्रभु। से केवल दारु विग्रह नुहंती, काठ नुहंती, से परम ब्रह्म जांकर भृकुंचन हेले ब्रह्मांडर अनंत कोटि बार प्रलय रचना हेई पारे, ये सही नाथ। दर्शक बंधु आमर शास्त्रीय परंपरा को पाथेय करी महाप्रभुंकर चारि मासर शयनर व्यवस्था आषाढ़ शुक्ल एकादशी सामंत शोबे जे कार्तिक शुक्ल एकादशी दिन उठे। मो प्रश्न जदि जगन्नाथ शोपड़ती आम दुख किए शुणव? आम जा पाखे हाथ पातबू का छामुरी आम दुख जनइबू कहतु तो जानी कौन शयन व्यवस्था कहीं शयनर प्रबंधन आर्ष महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल एकादशी रथ उपर कहीं शयन हैलानी। आमर अनेक भाव में शास्त्रीय विधि व्यवस्था को पाथे कर अनेक पूर्व निरूपित हो चारिमास महाप्रभु शयनर व्यवस्था ता मूल कारण हूँ जो चारिमास आषाढ़ श्रावण भाद्रव और आश्विन ये समय वर्षा विपात समग्र भारत वर्ष लगि रही थाए। भारत हूँ समग्र पृथ्वीर एकमात्र देश जो छटी ऋतु अनुभूत होता है तन्मध्य ये चारिमास वर्षा होता है। तेणु वर्षा काल जहाँ चतुर्मास्य काल बोली संबोधन कराए ए समय महाप्रभुंर भजन ध्यान तांकर चिंतार निमग्न रहिबार व्यवस्था रही। आमर पौराणिक व्यवस्था को पाथेय करी जेतेबेले महाप्रभु बलि को पाताल को चापी देले बलि एक बर प्रार्थना करिथिले कहले हे प्रभु निकि मते पाताल लोक रखुचंती आपण मो पाखे चारिमास रहिबे विश्वास करंतु महाप्रभु चारिमास निमन्ते सुतल लोक को पळांती बोली शास्त्रीय प्रमाण रही बामन पुराण अनुसार। तेणु आमर परंपरा को पाथे जेहेतु आम चारिमास काल भजन ध्यान करूँ साधु संत मैंने वर्षा बन्या जो बाहर को जापर गोटे स्थान रही कल्पवास करेंगे भजन साधन करेंगे से निमंत चतुर्मास प्रबंधन। तेणु ए समय आम कहूँ महाप्रभु शयन करगले महाप्रभु को सुवाई देलु डाकि कष्ट आमर दुख जनइबार व्यवस्था ना यह हूँ शास्त्रीय पक्ष। आमर शास्त्रीय व्यवस्था को पाथेय कर आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिन हरिशयन होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी श्रावण शुक्ल एकादशी, श्रावण शुक्ल एकादशी भाद्रव शुक्ल एकादशी दुई मास पर महाप्रभु पार्श्व परिवर्तन हबो। तापर आउ दुई मास कार्तिक शुक्ल एकादशी महाप्रभु हरि उत्थापन हबो जहाँ चतुर्मास्य बोली कहते। ए समय महाप्रभु शयन उत्सव हुए बोली शास्त्रीय व्यवस्था को पाथेय कर जेहेतु महाप्रभु शयन करिगले बोली आम कही था ए समय कौन मंगलप्रद कार्य देव प्रतिष्ठा विवाह व्रत गृह प्रतिष्ठा न्यास कौन कार्य हुए ना आम मणिमास भल कम केमी हे। तेणु से निमंत या अमंगल समय अशुभ समय बोली घोषणा कराए कौन शुभ कार्य कराए ना समय तुम नाथं शयन हो। दर्शक बंधु व्यवस्था रही बर्ष जेहेतु आमर भारतर मास गणना दुई प्रकार गोटे सौरायण गणना गोटे चंद्रायण गणना चंद्रंकर क्षय और वृद्धि रही भौगोलिक और वैज्ञानिक व्यवस्था को पाथेय कर। तेणु आपण मैंने समस्त जानते चंद्रंकर क्षय हुए चंद्रंकर वृद्धि हुए से कौन तिथि क्षय हेले से निमंते आम कहू आदि त्रयोदशी दुई दिन पड़े तेणु से निमंते चंद्रायण वर्षटा होची 355 दिन आ सौरायण वर्ष 365 दिन। तेणु गोटे वर्ष चंद्रंग वर्ष 10 दिन कमी जाए प्रति तीन वर्ष को थे गोटे चंद्रवर्ष बेसी पड़े चंद्रमास बेसी पड़े 10 × 3 हो 30 दिन अर्थात प्रति तीन वर्ष को थे एक चंद्रायण वर्ष गोटे चंद्रायण मास बेसी पड़े कहीं सौरायण वर्ष सहित समतुल करवा निमंते समता रखा निमंते आम परंपरा अधिक मास मलमास पुरुषोत्तम मास बोली कहते। सौभाग्यक्रमे ए वर्ष
महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम मास श्रावण मासरे पडुचंती यदि जगन्नाथंकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी शयन होता तेल पांच मास शयन करते गोटे मास बढ़ी था जेहेतु आम चतुर्मास शयन व्यवस्था कर चारि धर्म अर्थ काम मोक्ष दान कर महाप्रभुंकर से निमंते महाप्रभु चारिमास शयन करेंगे तो श्रावण एकादशी शयन आरंभ हम श्रावण शुक्ल एकादशी मूल श्रावण शुक्ल एकादशी मूल श्रावण शुक्ल एकादशी श्रावण शुक्ल एकादशी भाद्रव शुक्ल एकादशी भाद्रव शुक्ल एकादशी आश्विन शुक्ल एकादशी आश्विन शुक्ल एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी चारिमास महापुरुष शयन करेंगे एथेरे कौन व्यतिक्रम रहिला जे महापुरुष शहे मास गोटे मास डेरे सोचन भी समस्ते कहउचंती व्यतिक्रम नुहे हाँ केतेक पंजिका गणक माने किछि भूल तथ्य देइचंती जा पूर्व प्रकाशित होइछि आ ताकु ने विवाद सृष्टि होइछि तोई सुप्ते जगत सुप्त हे महाप्रभु तांकर शयन मध्य दिव्य निज गीतारे भगवान स्पष्ट करुचंती जन्म कर्म चमे दिव्यं जांगर जन्म दिव्य तांग कर्म भी दिव्य तांगर शयन भी दिव्य तांगर नसोया मध्य दिव्य तांगर जाग्रत मध्य दिव्यता दिए आनंद दिए तांगर शयन मध्य आनंद दिए आपण सुनंतु महाप्रभु शयन लीला को सुनि आनंद लाभ करिवे जेतेबेले महाप्रभुंकर शयन उत्सव हम आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिन साधारणतः होता है यह वर्ष श्रावण शुक्ल एकादशी दिन महाप्रभु बड़ सिंहार धूप बढ़ी सारे आउ थे पा पड़ महाप्रभु सम्मुखें एवं तापर भंडार घर जगन्नाथ शयन मूर्ति अच्छा आप आश्चर्य हे महाप्रभु ये सब देवता निर्देश दिखती चलते विग्रह मानू किए जी चंदन जात्रा करेंगे किए जी झूलण जात्रा करेंगे दिय जी दोल जात्रा करेंगे महाप्रभु आज्ञा देवे प्रत्येक रूप से महाप्रभु निजे ही जी तांकर उत्सव समाहित करिबा निमन्ते कोटि मदन मोहन रूपरे कोटि रामकृष्ण रूपरे कोटि चक्र नारायण रूपरे कोटि नृसिंह रूपरे कोटि राम रूपरे कोटि सुदर्शन रूपरे मध्ये महाप्रभु निजे जानती आहा ए प्रकार व्यवस्था जोठी रही महाप्रभुंकर शयन मूर्ति अच्छा बड़ दुड़ भंडार घरे आप देखा पाए वर्तमान समय रे किंतु श्रावण शुक्ल एकादशी ठारु से शयन करेंगे ना कौन से व्यवस्था भंडार घरे तीन जन शयन विग्रह अच्छा महाप्रभुंकर जगन्नाथंकर होचंती नारायण विग्रह सुनामूर्ति शंख चक्र गदा पद्म धारण कर चतुर्भुज विग्रह बठाकुरंकर साक्षात बलभद्रंकर अनंत वासुदेव जी हल मुसल और शंख चक्र धारण कर सुवर्ण विग्रह आउ माँ सुभद्रांकर भुवनेश्वरी दुईटा पद्म एवं बरा भया सी भी सुवर्ण मूर्ति चतुर्भुजा महाप्रभुंकर श्रावण शुक्ल एकादशी दिन यही वर्ष आज्ञामाल प्राप्ति परे भंडार घर भंडार मेकअप सेवक रत्न सिंहासन निकट को तीन दिय को लेकिन जीव आई पूजा पंडा सामंत सेवक द्वारा स्वतंत्र भाव में पंचामृत महास्नान महाप्रभुंकर चलती विग्रह को स्नान करा महाप्रभुं आउ थे बड़ सिंहार बेश हे दर्शक बंधु वर्षक तीन थर महाप्रभुंकर दी थर बड़ सिंहार बेश हुए गोटे दिन में जहाँ बल्लभ बड़ सिंहार बेश बोली कहते महाप्रभुंकर बड़ सिंहार बेश हो स्वतंत्र भाव में बड़ सिंहार धूप डाक निम्ते प्रधानी एवं तलुच सेवक हाथ पैठ सहित रोष घर आसवे आउ थर बड़ सिंहार भोग हम ताकि बल्लभ बड़ सिंहार भोग बोली कहते कर्पूर आलती बंदापना हे पूजा पंडा सामंत सेवकों द्वारा ये नीति समाहित हम स्वतंत्र भाव जहाँ को बल्लभ बड़ सिंहार भोग बोली आख्यायित करें से नीति बढ़ला तीन दिन आज्ञामाल प्राप्त हो बड़देव गोटे शयन घर अच्छी हाँ आज्ञा ताको समुद्र घर बोली कहते कारण महाप्रभु शयन कौटी ना जलधि शयन जी समुद्र भितर शयन करती आपत देखिए एथर गले बड़देवर खटसेज घर उपर गोटे समुद्र घर अच्छी शयन घर अच्छी से कोठ सुहासिया सेवक पेड़ा ताट जोगे थे गोटे ताट अच्छी से ताट भितर तीन दियं पूजा पंडा सामंत सेवक सुहाइबे ता पूर्वर जे महाप्रभुंकर दरजी सेवक मांडी जोगे थे श्रीअंगटा सुकुमार तो सुकुमारिया दिय तो तेणु से निमंत व्यवस्था जगन्नाथ निजे जा शयन प्रतिमा स्वरूप से शयन करेंगे ये महाप्रभु शयन उत्सव अर्थात से महाप्रभु पीड़ा ताट भितर तीन मूर्ति अनंत नारायण अनंत वासुदेव भुवनेश्वरी शयन हम एवं तापर मुद्रहस्त सेवक से बंदापना करेंगे दुर्भाक्षत पकेबे तापर पीड़ा ताट को देउलकरण सेवक बंद करेंगे आठ मुद दिजाव आम शुणी सेवकों मुहर जेहेतु महाप्रभु समुद्र घरे शयन करती से घर भितरटा समुद्र भली घू घू गर्जन हुए बोली सेवकों मुखार बिंदु शुणा पाइचु ये हूँ महाप्रभु शयन नीति
जहाँ ए वर्ष श्रावण शुक्ल एकादशी दिन अनुष्ठित हेबे। चतुर्मास्य शयन दिमास परे महाप्रभुंकर कड़ली उटाणी पार्श्व परिवर्तन एकादशी ता समान परिमाण रे बल्लभड़ सिंहार वेश हेबो। मुद्रहस्त सेवक जिबे बंदापना करिबे प्रभु को दाहन पटरु आनी बा पटु कड़ली उठाई देबे। आउ कार्तिक शुक्ल एकादशी हरि उत्थापन हेबो से दियो माने पेड़ा ताट भांगिकिरी आसिक निवास करिबे भंडार घर भितर। ये नीति महाप्रभु जदि शयन कले शयन प्रतिमा रूप से आम दुख कौन शुणवे नहीं सी शो पड़े आम दुख किए शुण आज्ञा तो ही सुप्ते जगत सुप्त आपत शो पड़े मणिमा जगत शो पड़ो। जगन्नाथ मन भरी भल पातुता शयन दिव्य जाग्रत अवस्था दिव्य ये महाप्रभु लीला आज्ञा। श्रीमंदिर यही नीति अनुष्ठित होता है जेहेतु ए वर्ष अधिक मास पड़ी मलमास पड़ी गोटे मास पर नीलाद्री महोदय ग्रंथ वर्णना होदापि श्रावण मासस्य शुक्लेपि हरिवासरे जदि केवे चतुर्मास्य गोटे मास अधिक पड़ मलमास पड़ हजार वर्ष आगु लेखाई नीलाद्री महोदय ग्रंथ से जे श्रावण शुक्ल एकादशी महाप्रभु हरिशयन हो पार इतने कौन व्यतिक्रम आज्ञा कहीं मसे विलंबरे शोले से मसे विलंबरे शोना से ठीक समय शो महाप्रभु द्वादश जात्रा मध्यरु प्रख्यात जात्रा शयन उत्सव जगन मंगलदायक हुंतु डाक पकातु आज्ञा दुख शुणे जगन्नाथ शोले तो जगत शो पड़ोर शयन मूर्ति शोवाई जाती आ मूल विष्णु जगन्नाथ महानारायण सेमती लीला विलास करूँगी आम दुख शुणु था आम दुखने दुखी हमें आम सुखने सुखी हमें मुरुकी हसी दिंती यही भाव सहित बाणी को विश्राम दौर मणिमा को मन भरी भल पातु। जय जगन्नाथ।